इस फोर्ट की हिस्ट्री ये है, ये फोर्ट जो है मेरी फोर्ट के नाम से है। मेरी जो वर्ड है वो लोकल बरावी वर्ड मीर से निकला है, विच मीन चीफ ऑफ ट्राइब, और ये रिप्रेजेंट हाउस हुआ करता था चीफ का। और 1935 के अर्थक्विक में आपको पता है पूरा क्वेटा तबाह हुआ था, कुछ भी नहीं बचा था। ये फोर्ट उस अर्थक्विक के दौरान बच गया था। उसकी वजह यह है कि इन्होंने दीवारों में गैप दी हुई है, और गेट बंद करने का तरीका सर, सबसे पहले सर ये और वो, ये दोनों साइड बंद करते हैं। इसको बंद करने के बाद फिर ये रॉड सर वहाँ से खोल के, ये आप देख सकते हैं सर, यहाँ से खोल के सर इस रॉड को नीचे करते हैं, ये नीचे आ गया सर। फिर उसके बाद ये लॉक है सर, दोनों साइडों से लॉक लगा लेते हैं, फिर बाहर से इसका खोलना इम्पॉसिबल। और ये रॉड इतना हैवी है कि इसको उठाने के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे ये दो बंदे रखे हुए हैं, एक बंदा सर इसको नहीं उठा सकता। और उसके बाद सर फिर ये दोनों साइड बंद होते हैं। और ये जो है सर हिस्ट्री है क्वेटा और मेरी फोर्ट की। क्वेटा को पहले शालकोट कहते थे सर, शालकोट से फिर कोटा हुआ था, कोटा से जो है फिर फ्रेंच ने इस वर्ड को क्वेटा में कन्वर्ट किया था। और ये सर हमारे यूनिट के, हम ऑर्डनेंस डिपो के बैजेस हैं सर। ये जो है सर इस फोर्ट का स्केच है, 1899 में ब्रिटिश ने बनाया था, ओरिजिनल स्केच है। ये टनल्स है सर यहाँ पे, इसका हमें पता नहीं था, ये बाद में हमने डिस्कवर किए थे सर। और ये पूरा फोर्ट है सर, अब जिस रोड से हम ऊपर आए हैं वो ये है सर, और ये 1-2 जो लिखे हुए हैं। यहाँ पे सामने बेस्टर्न, जिसे हम हैवी गन पोजीशन भी कह सकते हैं सर, ये ब्रिटिश ने बनाए थे सर। इसके बेसिस जो हैं ओरिजिनल है, ब्रिटिश के टाइम के हैं। गन जो यहाँ पे फिट थी सर, वो ब्रिटिश अपने साथ लेके गए थे। ये चारों विंडोज है सर, यहाँ से डायरेक्शन कवर करते थे, फायर करते थे। अब फर्ज करें सर मैंने यहाँ से डायरेक्शन कवर करना है, यहाँ से फायर करनी है, तो सबसे पहले सर ये इसका लॉक है, जब देखे सर मैंने इसका लॉक खोलना है, ये इसका लॉक है सर। लॉक खोल के फिर ये इसी तरफ मूव करके फिर वापस लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद इसका हिलना इम्पॉसिबल, और इसी तरह इजीली डायरेक्शन कवर की जा सकती है। और ये खिड़की सर उस टाइम की बनी हुई है, इसको आप चेक कर लीजिए, आज तक ना ख़राब हुई है, ना इसको जंग लगा है, और ना इसमें कोई शर्श और आवाज़ कुछ भी नहीं है। ये आप देखिए सर, इसको आप जितना भी बंद करेंगे खोलेंगे, कोई शर्श और आवाज़ कुछ भी नहीं है। और ये खिड़की इन्होंने ऐसी बनाई है कि जिस साइड से आप देखेंगे वो साइड आपको क्लियर नज़र आएगा। अब आप यहाँ से देखिए सर, तो पूरी क्वेटा सिटी आपको यहाँ से क्लियर नज़र आएगी। वहां से देखेंगे तो क्वेटा के एंड नजर आएगा। और एक इस तरह का बेस्टर्न हैवी गन पोजीशन वहां पे भी है, उस साइड पे भी है सर, यहाँ पे है एक। ये भी सर सेम वैसे ही बेस्टर्न है, और इसका भी बेस ओरिजिनल है सर। उसके बेस के बारे में मैंने सुना है सर कि ये बेस यहाँ पे नहीं बना था, ये ब्रिटिश ने यूके में बनाया था और वहां से लेके आए थे, फिर यहाँ पे इन्होंने फिट किया था सर। और ये अभी तक सही है, ये सर अभी तक ये फंक्शनल है। और इस फोर्ट को ब्रिटिश ने सर 8 साइडों से कवर किया हुआ है, जिसे हम ऑक्टागोन भी कह सकते हैं सर, जिसमें मस्केटरी पोजीशंस भी है, हैवी गन पोजीशंस भी है, फायरिंग पोजीशंस भी है। ये फोर्ट मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में इन्होंने दाल और चूना मिक्स किया हुआ है, दाल और चूना मिक्स किया हुआ है, और सीमेंट से ज़्यादा मजबूत है सर। जब गेट बंद करते थे जंग के दौरान, जंग होती थी, यहाँ से एमिनिशन ऊपर लेके आते थे, और 80 फीट आई हैं ये यहाँ से, और तीन तरह से एमिनिशन ऊपर लेके आते थे। और यहाँ पे सर आप ठंड फील करें, कितनी ठंड है यहाँ पे, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गर्मियों में आप आएंगे तो यहाँ पे ठंड होगा, सर्दियों में आप आएंगे तो यहाँ पे जगह गर्म होगा। इसका सर आप एमिनिशन रिप्लेनिशमेंट पॉइंट कह सकते हैं, नीचे मैगजीन्स हैं एमिनिशन के उसी ज़माने के, तो गन पोजीशन पे एमिनिशन लेके जाने के लिए यहाँ से पुली सिस्टम से नीचे से एमिनिशन ऊपर लाया जाता था, एंड देन इट यूज्ड टू बी शिफ्टेड टू गन पोजीशंस। सर यहाँ पे स्टेयर्स भी बनी हुई है, यहाँ पे इसको ऊपर करके सर इस तरह की स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स के थ्रू ऊपर लेके आते थे, और ये बॉक्स में भी डाल के ऊपर लेके आते थे, और यहाँ पे जंजीर भी होती थी सर, उसके थ्रू भी ऊपर लेके आते थे।
जी सर, इस फोर्ट के जब 100 साल पूरे हो गए थे तो फिर हमारे CEO साहब उसने पूरे फोर्ट को चुना दिया था, वो फिर हमने रिमूव करवाया सर। और ये जो है ये डार्टी गन, ये यहाँ की लोकल गन है, यहीं पे बनती है, डाडर एक इलाका है वहाँ पे बनता है। ये आगे से बारूद डाल देते हैं, फिर किसी चीज़ से प्रेस करके उसके बाद फायर करते हैं। और ये जितने भी गन हैं ये सारे पुराने हैं सर, ये भी हमें डिफरेंट प्लेसेस से मिले हैं। लाइट मशीन गन चाइनीज़ हैं, ये भी लाइट मशीन गन चाइनीज़ हैं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी सर यहाँ पे आए हैं, उसने भी यहाँ का विजिट किया है, इससे हम अंदाज़ा। यस सर, इस फोर्ट का वो जब सिंध आए थे तो उस दिन से वापसी पे वो यहाँ पे भी आए थे। ये मस्कटरी पोजीशन उन्होंने यूँ बनाई है कि यहाँ से इजीली फायर हो सकती है, बाहर से दिखती भी नहीं कि फायर कहाँ से हो रही है। एंड इफ एनीबॉडी फायर फ्रॉम आउटसाइड दे कांट एम इनसाइड। ये सर आप देखेंगे यहाँ पे सर उन्होंने ऐसे बनाया है कि बिल्कुल बाहर से दिखती भी नहीं कि फायर कहाँ से हो रही है। और वेंटिलेशन भी यहाँ पे उन्होंने किए हैं सर, ये आप देखें यहाँ से फायर कर देते हैं। ये आप देखें सर, पहले यहाँ से पूरे एरिया क्लियर नजर आता था, बारिशों की वजह से मिट्टी आ गई यहाँ पे, और यहाँ से गोले फेंकते थे। और ये ऊपर ये वेंटिलेशन है सर। ये सर काम तो सारा करवाया हमसे है, बट आइडिया ब्रिटिश का था सर। आप देखें कि कैसे सर ये फोर्ट बना है, उस हम कैसे काम हुआ है और मिट्टी से बनाया गया है सर ये फोर्ट। और ये फोर्ट जो है सर 600 फीट लॉन्ग है, 400 फीट वाइड है एंड 80 फीट हाई है। और 1877 में 3 लोकल पठानों ने यहाँ पे अटैक किया था और 3 ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स को मारा था। और ये सर जनरल ज़ियाउल्लाह साहब भी यहाँ पे आए हैं, जनरल ज़ियाउल्लाह साहब ने भी यहाँ का विजिट किया हुआ है। और ये सर डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट ऑफिसर्स आए हैं सर यहाँ का विजिट किया हुआ है, फॉरेन कंट्रीज से भी सर यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं। थोड़ा यूनिक ऑनर है, द कैरियर्स हैव विजिटेड अस इन 1948। तस्वीर है, he was our first Pakistani commanding officer, Colonel Saifur Rahman. So, Kairi Azam visited us in 1948. ये पुरानी तस्वीरें हैं इस एरिया की। ये फोर्ट की डिफरेंट टाइप की तस्वीरें हैं, ये 1945 की, और ये 2019 में जब यहाँ पे स्नो हुई थी तब की पिक्चर है सर। और ये अभी की है, 1936 की है, 1881 की है सर। उनकी क्या हालत होती थी, प्रिजनर को ला के सर यहाँ पे ही उनके हाथ बांध दिए जाते थे और यहाँ से खाना पानी वगैरह दिया जाता था। और ये जो है सर ऊपर ये वेंटिलेशन है, उस साइड फौजी होता था वो पहरा देता था, देखता था। ये आप देखिए सर कि लाइट ऑफ करने के बाद अपने हाथ तक नहीं दिखते हैं। लाइट ऑफ करें, ये आप देखिए सर, दरवाजा बंद हो तो नजर ही नहीं आएगा बिल्कुल सर, कुछ भी नजर नहीं आता। और यहाँ पे भी सर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सर्दियों में आप आएंगे ये जगह गर्म होती है और गर्मियों में आप आएंगे यहाँ पे ठंड होती है सर। एक दीवार प्रिजनर सेल की आप चेक कर ले सर, ये अप्रोक्सीमेटली 4 फीट है और यहाँ पे फौजी होता था वो पहरा देता था, यहाँ से देखता था सर। ये भी प्रिजनर, यस सर ये भी प्रिजनर सेल है, सेम ऐसे ही है। और ये सर एंटी अर्थक्विक, जिसकी वजह से 1935 के अर्थक्विक में ये फोर्ट बच गया था। सर अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं सर, यहाँ पे भी हमारे साथ दो मस्कटरी पोजीशंस हैं जिसे हम खुफिया मोर्चा कह सकते हैं। एक वो जैसे हमने नीचे देखा सर, यहाँ पे जो है सर ये हैं, ये उसके साथ कनेक्टेड है सर। यहाँ से हम जाएंगे तो यू घूम के वहाँ से निकलेंगे। और एक इस तरह का वहाँ पे उस साइड पे भी है सर। और ये फायरिंग पोजीशन, एक इस तरह का फायरिंग पोजीशन, एक इस तरह का फायरिंग पोजीशन वहाँ पे है, उस साइड है। और वो वहाँ पे सर हैवी गन फिट होती थी। और अब हम सर टॉप की तरफ, टॉप पे जा रहे हैं सर। ये पूरे क्वेटा का सेंटर भी है और टॉप भी है सर। यहाँ से आपको क्वेटा हर साइड से बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। और स्लीपिंग ड्यूटी के बारे में सुना होगा सर, स्लीपिंग ड्यूटी भी यहाँ से क्लियर नज़र आती है। स्लीपिंग ड्यूटी से मुराद सर एक पहाड़ है, वो ऐसे बना हुआ है जैसे कोई औरत लेटी हुई है, नेचुरली वो ऐसे ही बना हुआ है। उसके आईज, नोज, थ्रोट सर, उसकी पूरी बॉडी नज़र आ रही है। और ये इंटो पे अपनी डेट लिखी हुई है 1905 1912 की पिक्चर से।
ये जो पहाड़ है इसे स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। ये पहले सर उसका फोरहेड है, फिर उसके बाद आईज है, नोज है, परिवार के गोल जो बना हुआ है सर उसका गला है। यहाँ पे सर जगह पे उसने हाथ ऐसे रखे हुए हैं जैसे औरतें नमाज में बांधती हैं और वो आखिर में उसके पाँव हो गए। ये स्लीपिंग ब्यूटी है। और ये जो पहाड़ है इसको कोई जरून कहते हैं और इस पहाड़ी को कोई चारगाश कहते हैं। कोई चारगाश सर, चारगाश फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, चार चार को कहते हैं और गाश नुकीली चीज़ और दांत को कहते हैं। और ये जो है सर इसे कोई तकतू कहते हैं और ये जो पहाड़ी है इसे कोई चिल्तन कहते हैं। और ये जितने भी सर शेर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे पुराने हैं, ब्रिटिश के टाइम के हैं। और मस्जिद सर ब्रिटिश के टाइम में वो जो मुसलमानों ने अपने लिए मस्जिद बनाई थी वो ये है। हिंदुओं ने अपने लिए टेम्पल बनाया था सर और नीचे चर्च भी था, और मुसलमानों ने इस टाइम अपने लिए ये मस्जिद बनाई। सामने सर पहाड़ के दामन में जो घर बने हुए हैं उसे मरियाबाद कहते हैं। हज़ारा कम्युनिटी वहाँ पे रहती हैं। और ये जो पहाड़ी है सर इसको कोई मेहरदाद पहाड़ी कहते हैं, जहाँ से वो मम आती थी जो आके फिर एक पूरे इंसान को उठा के लेके जाती थी, वो पहाड़ी ये है। और यहाँ से सर आप देखेंगे पूरी क्वेटा सिटी आपको नज़र आएगी। और ये डायरेक्शन विद डिस्टेंस दिए गए हैं सर। और ये फोर्ट जो है सर, ये फोर्ट आर्टिफिशियल माउंट का बना हुआ है, नेचुरली है सर, आर्टिफिशियल माउंट का बना हुआ है। और यहाँ पे सर ये यहाँ पे एक नाला भी खोदा है ब्रिटिश ने, उस टाइम सर उसमें जंगले लगाए थे और पानी छोड़ते थे ताकि कोई बाहर से सर इलीगल तरीके से अंदर ना आ सके, और वो मिट्टी उठा के इन्होंने यहाँ पर डाली है। और उस टाइम सर क्वेटा, पूरा क्वेटा ये फोर्ट, और यहाँ पर 300 to 400 घर हुआ करते थे, यही क्वेटा था और कुछ भी नहीं था सर। फिर 1935 के अर्थविक सर यहाँ पे कुछ घर बन गए थे, फिर 1935 के अर्थविक में वो गिर गए थे। उसके बाद सर फिर सर ये आप देख सकते हैं क्वेटा वो पहाड़ों तक सर फैल गया है।